प्यारी सी किताब लिखी है तनुजा चंद्रा ने, उन्होंने मुझे भेजी थी पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ी और वो मुझे ले गई अपने बचपन के दिनों में। जो छोटी छोटी मोटी कहानियाँ जो आप अपने माँ बाप से, मामाओं से, बुआओं से, अपने परिवार से सुना करते थे, उस किस्म की ये कुछ उत्तर प्रदेश की कहानियाँ हैं, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी है। तो आज उन्होंने बुक लॉन्च किया। Whatever you make eventually has to come from something either you've experienced or you've read or you've seen. So I think every creation is from your memories. So Abhijat and me specially choose to kind of pick up some memories, pick up some real life incident and of course modify it. So yes, whatever Abhijat narrated or we've usually picked up from our lives and kind of modified it to suit the film. किताबें तो जान होती हैं, किताबों से बड़ा लगाव है और तो सो नहीं सकता किताब के बिना, चाहे 10 मिनट ही पढ़ूँ रात को, पर एक किताब तो पढ़नी पड़ती है। और मुझे थोड़ा लगता है कहीं कल्चर को ख़त्म होता जा रहा है आजकल, मगर आई थिंक बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड बुक्स आर द बेस्ट वे टू गेट नॉलेज, गेट स्टोरीज, गेट टू नो द वर्ल्ड। बुक, प्ले और फिल्में ये तीन अलग किस्म की राइटिंग है। बुक में आप बहुत एक लाइन में आप कुछ बोल सकते हो कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, हो गया, व्यूअर ने बिलीव कर लिया। सिनेमा में आपको उसके लिए एक स्टोरी बनानी पड़ती है, किसका बटुआ गिर गया, उसने उठा के लौटाया, तब आपको समझ में आता है कि कैरेक्टर उठ के नहीं बोल सकता ईमानदार आदमी, बोरिंग हो जाता है। तो तीनों अलग किस्म की राइटिंग है, पर तीनों एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं। कई बार आप प्ले से फिल्में बनाते हो, कई बार लोग फिल्मों के प्ले बनाते हो, कभी आप बुक से फिल्में बनाते हो, प्ले करते हो, तो कंटेंट तो होता है मगर फॉर्मेट्स अलग हैं सबके। अभी फिनिश्ड अबाउट 60% ऑफ द फिल्म इज डन एंड वी स्टार्टिंग अ शेड्यूल नाउ, सो बाय मिड जून और इवन बिफोर वी वुड हैव डन मोस्ट ऑफ इट, दिस वन शेड्यूल लेफ्ट इन न्यूयॉर्क देन। अरे वो बड़ा वो आउट होनी नहीं चाहिए थी वो पिक्चर्स, बट हम लोग कार्टर रोड पे शूट कर रहे थे, आप लोगों ने किसी ने एक फोटो लेके डाल दिया, पर आई एम वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी से बन रही है फिल्म। और जब फिल्म खुशी से बनती है तो अच्छी बनती है, और वो कहानी कमाल की है तो मज़ा आ रहा है बनाने में। और रणबीर आई थिंक नहीं, टाइटल अभी तक लॉक नहीं हुआ है, बट हो जाएगा।